हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 उसके क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स वो हम समझेंगे। तो इसी एक्सरसाइज पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1-4 आपको समझाए थे। कुछ पार्ट्स मैंने किए थे, जो बाकी पार्ट्स मैंने हल नहीं किए हैं वो आपको खुद हल करने हैं, खुद अटेम्प्ट करना है, प्रयास करना है। गलत भी होगा कोई चिंता की बात नहीं है, आप गलत करके ही सीखेंगे कि कहाँ गलती हुई थी, फिर आपको अच्छे से कर पाएंगे। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसका मैं एक पार्ट आपको करके समझाता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ आपको उसमें आपको ट्रिक्स भी बताऊँगा। तो ये है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो इसको हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि इसमें क्या लगता है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसका क्या होता है x², चलो ऐसा x से आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं ए बी सी कर देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब तीनों टर्म्स का स्क्वायर, तीनों पॉजिटिव टर्म्स होंगी, प्लस 2ab, 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, प्लस 2bc, सेकेंड एंड थर्ड, प्लस 2ca, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये इसका फॉर्मूला है या इसकी आइडेंटिटी कहते हैं, इसको हमने यूज करना है। तो अब इसमें दो तीन चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो देखिए, इसमें अंडर रूट 2 आया हुआ है और दो टर्म्स नेगेटिव हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। ये टर्म्स हमेशा पॉजिटिव होंगी स्क्वायर्स वाली, लेकिन जिसमें हमने ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है उसमें अगर दो नेगेटिव हैं तो इसका मतलब है कि तीनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए। अब वाई जेड पॉजिटिव है तो मतलब वाई भी पॉजिटिव होगा, जेड भी पॉजिटिव होगा, तो इसमें एक्स नेगेटिव होगा। एक्स नेगेटिव है तो एक्स वाई नेगेटिव हो जाता है, एक्स नेगेटिव है तो एक्स जेड नेगेटिव हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, ये पहली चीज़ समझनी है। ये कहाँ से ढूंढा हमने कि इसमें तीन टर्म्स हैं, एक पॉजिटिव है, दो नेगेटिव हैं। तो ये पॉजिटिव है मतलब दोनों ये पॉजिटिव होंगे, ये एक नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव है, या तो एक्स नेगेटिव होगा या जेड नेगेटिव होगा। तो इसमें एक्स नेगेटिव है क्योंकि एक्स वाई भी नेगेटिव आ रहा है और एक्स जेड भी नेगेटिव आ रहा है। तो पहली चीज़ ये समझी, हमने कैसे देखना है कि कौन सी टर्म नेगेटिव होगी, इसका हिंट आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखिए ना, इसमें अंडर रूट 2 आ रहा है तो मतलब किसी टर्म में अंडर रूट 2 होना चाहिए, या दो टर्म्स में होगा या एक टर्म में होगा, ठीक है। अभी आप देखिए, अगर हम करते हैं 2² इज इक्वल टू 4 को अंडर रूट करते हैं तो बन जाता है 2, ठीक है। दो को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनता है। तो अभी हम क्या करते हैं, 2√ एक नंबर है, तो अगर √2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स √2², तो उसका आंसर होता है 2। √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है √2², ये होता है आंसर 2। इसको मैंने एक बार करके समझाया भी था आपको, √2 का मतलब होता है 2^1/2, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी पावर होती है 1/2। इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 1/2 × 2, ये 1 हो जाएगा, 2^1 is 2, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को, पॉलीनोमियल को हमने ऐसे लिखना कि इस शेप में आ जाए। तो 2x को हम करेंगे √2 × x होल स्क्वायर, इसको हमने ऐसे चेंज किया।
क्योंकि अंडर रूट टू का जब स्क्वायर होता है तो वो टू बन जाता है, ये मैंने अभी आपको समझाया। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी अंडर रूट टू एक्स, लेकिन हम पहले जान चुके हैं कि ये नेगेटिव टर्म है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस अंडर रूट टू एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अंडर रूट टू एक्स से तो क्या बनता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू हो जाएगा टू, एक्स हो जाएगा स्क्वायर। तो इस टर्म को हमने ऐसे चेंज करके लिखा। क्यों ऐसे कर रहे हैं, हमें इस शेप में चाहिए हमारी पॉलिनोमियल। तो पहली टर्म क्या बनी, माइनस अंडर रूट टू एक्स इंटू होल इंटू स्क्वायर, माइनस अंडर रूट टू स्क्वायर। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये दो टर्म्स नेगेटिव हैं। अंडर रूट टू क्यों हुआ, कि अंडर रूट टू स्क्वायर होता है टू। सेकेंड टर्म क्या बनेगी, वाई स्क्वायर। अभी एट पे आ जाती हैं, एट क्या होता है, फोर इंटू टू, दैट इज टू स्क्वायर इंटू टू। बेसिकली क्या होता है, चलो ऐसे कर समझा देता हूं, टू इंटू टू इंटू टू, ये हो जाएगा टू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू। तो जैसे हमने इस टू को चेंज किया था अंडर रूट में, इस टू को भी अंडर रूट में चेंज करना पड़ेगा। तो जेड का क्या बनेगा, टू अंडर रूट टू जेड स्क्वायर। इसको हमने ऐसे चेंज कर दिया। एट का बना ये टू स्क्वायर इंटू टू, ठीक है। तो टू स्क्वायर इंटू टू, अंडर रूट टू को जब हम ओपन करते हैं, टू अंडर रूट टू को जब हम ओपन करते हैं तो क्या बनता है, टू स्क्वायर इंटू अंडर रूट टू स्क्वायर, ये हो जाएगा टू स्क्वायर इंटू टू, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा एट। तो एट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू अंडर रूट टू होल स्क्वायर। तो ये देखिए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हम इस शेप में इसको ला रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है, इन टर्म्स को ऐसे चेंज करना है कि इस शेप में आ जाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए, क्योंकि इसके फैक्टर होते हैं ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म हो गई। अब आ जाते हैं फोर्थ टर्म के ऊपर। फोर्थ टर्म क्या है, माइनस टू, कैसे बनेगा, इसको हम प्लस करेंगे, फॉर्मूला में प्लस है, टू ए क्या है फर्स्ट टर्म, माइनस अंडर रूट टू एक्स, सॉरी माइनस टू अंडर रूट एक्स, ये है फर्स्ट टर्म। टू ए बी मतलब टू इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इंटू वाई, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा माइनस टू अंडर रूट टू एक्स वाई। इसको हमने ऐसे चेंज किया, इस टर्म को ऐसे चेंज किया, टू इंटू माइनस टू अंडर रूट एक्स माइनस वाई। सेकेंड टर्म क्या बनेगी, टू इंटू बी, बी यहां पर क्या है वाई, और सी क्या है टू अंडर रूट टू जेड। तो इस टर्म को हमने ऐसे चेंज किया, टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म है वाई, सेकेंड टर्म है टू अंडर रूट टू जेड, और थर्ड टर्म क्या होगा, टू इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस अंडर रूट टू एक्स, और थर्ड टर्म क्या है टू अंडर रूट टू जेड। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो एट एक्स जेड बनेगा, मैं करके बता देता हूं आपको, टू माइनस टू अंडर रूट एक्स इंटू माइनस इंटू टू अंडर रूट टू जेड। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू जा फोर, सॉरी अंडर रूट टू एक्स है, अंडर रूट टू एक्स, टू टू जा फोर, माइनस प्लस माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू क्या होता है टू,
एक्स इंटू जेड हो जाएगा माइनस एट एक्स जेड, जो ये टर्म थी। इस टर्म को आपने ऐसे स्प्लिट करके लिखना है। इसी चीज को हम डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं, टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। तो अभी ये देखिए इस शेप में आ गई, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकेंड टर्म स्क्वायर, थर्ड टर्म स्क्वायर, प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, प्लस टू इंटू सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। तो मतलब क्या होगा, यहां पर हमारा ए बना, ये अलग से मैं आपको समझा रहा हूं, हमारे ए बना यहां पर माइनस अंडर रूट टू एक्स, बी बना वाई, सी क्या बना टू अंडर रूट टू जेड। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका क्या बनेगा, ये बनेगा ए प्लस बी होल प्लस सी स्क्वायर इज माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू अंडर रूट टू जेड स्क्वायर। तो ये इसके बराबर है। हमने इस इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को ऐसे रीराइट किया, ऐसे रीराइट क्यों किया, ताकि ये इस फॉर्मेट में आ जाए। इस फॉर्मेट में आने से हम ये आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। पहले हमने इसको चेंज किया, चेंज कैसे किया, ताकि इस फॉर्मेट में आ जाए। इस फॉर्मेट में आने से हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे और हमें इसके फैक्टर मिल जाएंगे। तो अभी चूंकि हमने फैक्टर देने हैं, तो माइनस टू इसको ऐसे लिखेंगे, यहां मैं लिख के बताता हूं, इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू अंडर रूट टू जेड इंटू सेम टर्म, क्योंकि स्क्वायर है, मैं तो उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सेम टर्म से हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ये फैक्टर बने। फैक्टर मतलब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से ये पॉलिनोमियल बनेगी। एक पार्ट पॉलिनोमियल का ये है, दूसरा पार्ट ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी, ठीक है। तो इसमें आपने किन चीजों का ध्यान रखना है कि नेगेटिव टर्म कैसे बनी, नेगेटिव बनी इसके कारण, फर्स्ट टर्म के कारण, माइनस अंडर रूट टू एक्स। और अंडर रूट टू हम कैसे लेके आए, हमने एट को चेंज किया और टू को चेंज किया, इसको कर दिया टू अंडर माइनस अंडर रूट टू, इसको कर दिया टू अंडर रूट टू। तो ये हमारा आंसर है, ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल के। ऐसे क्वेश्चंस में आपने ऐसे ही करना है। अगर सभी पॉजिटिव होंगे तो बहुत इजी होगा, यहाँ पे भी सभी पॉजिटिव होंगे। अगर बीच में नेगेटिव है तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम एक टर्म नेगेटिव होगी, कई बार दो भी नेगेटिव हो सकती है, वो आपको अपने आप समझ आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन की। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसका एक पार्ट किया है, सेकंड पार्ट आप जो है आप खुद ट्राई करिए, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, फाइंड द क्यूब्स 6। इसका भी मैं एक पार्ट कर देता हूं, पार्ट 4 कर देता हूं। मान लीजिए एक्स माइनस टू अपॉन थ्री वाई क्यूब। तो आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, अगर आइडेंटिटीज याद नहीं है तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ए माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, पहली टर्म का क्यूब, फिर माइनस थ्री इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड देन सेकंड टर्म, प्लस थ्री फर्स्ट टर्म देन सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस बी क्यूब। देखिए ऐसे पावर जा रही हैं, ए थ्री है, ए टू है, ए वन है, बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, बी की पावर बढ़ रही हैं, ए की पावर कम हो रही हैं। तो यहाँ पर ए क्या है एक्स और बी क्या है टू अपॉन थ्री वाई, एक्सपेंड करना हमने,
पिछले क्वेश्चन में हमने फैक्टराइज किया था, तो उसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टू अपॉन थ्री वाई प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू टू अपॉन थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू अपॉन थ्री वाई क्यूब। इस फॉर्मूला से हमने किया, इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स क्यूब ये थ्री और थ्री कट जाएगा, ये थ्री और थ्री कट जाएगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई, ये टू बचा है, ये थ्री थ्री कट गया, यहाँ पे प्लस थ्री आएगा, ये हो जाएगा थ्री, थ्री जा नाइन, वो थ्री से कटेगा, दो दूनी चार, फोर अपान थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस दो दूनी चार दूनी आठ पाँच तीन तीन उन्तीस सत्ताईस वाई क्यूब, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस फोर पॉइंट थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस एट पॉइंट ट्वेंटी सेवन एक्स वाई क्यूब। तो अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो बड़ी इजीली आप ये सम कर सकते हैं, ये इजी था। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसमें भी मैं एक पार्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स के टोटल तीन चार पार्ट्स हैं, बाकी दो तीन पार्ट आप खुद ट्राई करिए। इवेल्युएट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, नाइन नाइन एट क्यूब, इसकी हमने वैल्यू ढूंढनी है, सेवन थ्री, इसकी हमने वैल्यू ढूंढनी है यूजिंग आइडेंटिटी। तो कौन सी आइडेंटिटी करेंगे, क्यूब है तो ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। अब 998 से थोड़ा सा सोचिए, इसको हम 100,000 में कैसे चेंज कर सकते हैं, बहुत आसान है, 1000 माइनस टू क्यूब, तो माइनस है तो ये माइनस वाला आइडेंटिटी यूज होगी, जो हमने आइडेंटिटी पिछले क्वेश्चन में की थी, ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी, दो टर्म नेगेटिव होंगे इसमें, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, थाउजेंड क्यूब, ये पहली टर्म हो गई, माइनस थ्री इंटू थाउजेंड स्क्वायर इंटू बी, बी इज टू, यहाँ पर बी टू है और ये है थाउजेंड, प्लस थ्री इंटू ए थाउजेंड इंटू बी टू स्क्वायर माइनस टू क्यूब, तो इस प्रकार की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो थाउजेंड का क्या हो जाएगा, छः जीरो हो जाएंगे, इसको जब हमने क्यूब किया, नहीं सॉरी नाइन जीरो होंगे, क्यूब है ना तो नाइन जीरो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, इसमें क्या होगा, तीन दूनी छः और इसके छः जीरो स्क्वायर है तो छः जीरो, इसमें नाइन जीरोज है इसमें छः जीरोज है, इसमें क्या होगा, दो दूनी चार तीय बारह, एक दो तीन माइनस एट। तो अब इसको आपने सम करना बहुत आसान है, इन दोनों को ऐड करके ये माइनस कर दीजिए, ये खुद आप ट्राई करिए यहाँ से, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है और सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, कोशिश करेंगे हम यहाँ पे हंड्रेड आए थाउजेंड आए या तो कई बार प्लस होगा, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता, इसको करना है क्यूब हमने, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बुक में नहीं है, तो इसको आप क्या करोगे, थाउजेंड प्लस थ्री क्यूब, ऐसे फिर इसको ओपन करके आप ऐड कर लोगे, और यहाँ पे नेगेटिव है तो दो टर्म को ऐड करना पड़ेगा, दो को माइनस करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसके बाद में हम इस वीडियो को यहीं बंद कर देंगे, विराम देंगे, और बाकी क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे, ताकि आपको समय मिले इनको समझने का और प्रैक्टिस करने का। क्वेश्चन नंबर एट, फैक्टराइज, जैसे हमने पहले किया था फैक्टराइज, हम इसमें ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, 64 ए क्यूब
माइनस 27 बी क्यूब प्लस नहीं फिर है माइनस ये 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने हिंट कहाँ लेना है, हिंट यहां से लेना है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 बनेगा, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बनेगा, ये थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए। जैसे 2 × 2 × 2 2 × 4 × 8 ये याद होना चाहिए थी। ये कुछ आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस में फिर आपको आसानी हो जाएगी। ये कुछ 5-6 तो कम से कम अब याद कर लीजिए, 2 से 6 तक तो याद कर लीजिए। 2 क्यूब होता है 8, 3 क्यूब होता है 27, 4 क्यूब होता है 64, 5 क्यूब होता है 125, 6 क्यूब होता है 216, यहाँ तक तो अब याद कर लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो अब देखिए यहाँ पे 64 है ये, 27 है ये, तो अभी हमने इसको चेंज कर देना है। 64 क्या होगा, ए 4a³, 27 क्या होगा, 3b³। हम इसको किस शेप में ला रहे हैं, एक्स यहां पे ए बी लिखा है तो एक्स कर देते हैं, एक्स माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy² माइनस 3x² y, इस शेप में हम इसको ला रहे हैं, ताकि इस शेप में आने में, इस फॉर्मेट में जब आ जाएगा तो ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, इसमें लिखना भी पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं 144। ठीक है, 144 कैसे होगा, 3 × 4 a² इंटू 3b। 3 तो फॉर्मूला का है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 3 × 4² × 3 3 × 16 × 3 16 × 3 = 144, ये 144 बन गया। से ये 144 के ये फैक्टर बने, 3 × 16 × 3 16 को हमने लिख दिया 4² दैट इज 3 × 1st term² × 2nd term प्लस 3 × 1st term 4a × 2nd term² तो 108 को हमने कैसे सप्लिट किया, 108 को हमने सप्लिट किया 3 × 4 × 3² ये क्या होता है 3 × 4 × 9 3 × 9 4×12 = 108 108 को हमने ऐसे चेंज किया। ठीक है, तो दैट इज 3 × 1st term × 2nd term² तो उसका क्या आंसर बनेगा, 4a − 3b² क्यूब, क्योंकि क्यूब वाला है ना, कौन सा, अभी जो हमने फॉर्मूला सीखा था ये मैं फिर से बता देता हूँ, एक्स माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3xy² ये वाला आइडेंटिटी यूज करके हमने ये आंसर ढूंढा। तो अभी हमने आंसर लिखना कैसे है इसका, इसका आंसर लिखना है हमने 4a − 3b इंटू 4a − 3b इंटू 4a − 3b तो ये इसके फैक्टर्स हैं, तीन फैक्टर्स हैं, तीनों आइडेंटिकल फैक्टर्स हैं, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे तीन फैक्टर हैं, तभी हम कहते हैं 4a − 3b³। तो आंसर ऐसे देना आपने। तो इसमें क्या ट्रिक है, इसमें ट्रिक है कि आपने इन चीजों को कैसे चेंज करना है क्यूब्स में। तो अगर आपको याद है 3³ 4³ 5³ 6³ तो आप बड़े इजीली कर पाएंगे, जब आपको ये टर्म्स मिल जाएंगी तो ये ऑटोमेटिकली आपकी आ जाएंगी।
क्योंकि 3 इंटू फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो ये उस शेप में आ गया जो हमने आइडेंटिटी बताई थी आपको, उससे हमने ये इसका सोल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया 8 का एक पार्ट, बाकी पार्ट आप खुद अटेम्प्ट करिए जरा। ओके, तो इसको हम यहीं विराम देते हैं। तो इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।